नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मसालों पर आज बात करेंगे, जहां पर NCDX पर जीरा भले ही 26,000 तक पहुंच गया, लेकिन कीमतें लगातार चौथे महीने में गिरावट के साथ कारोबार कर रही हैं। ऑल टाइम हाई के भाव से करीबन 65% की गिरावट अब तक जीरे में देखने को मिल चुकी है। वहीं हल्दी में भी ऑल टाइम हाईज बनाने के बाद से दबाव कायम है। क्या है इसके कारण, कैसा देखना चाहिए बाजार, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रीति एंटरप्राइजेस के ओनर शुभम जावर और मीत ट्रेड्स के ओनर किशोर शाह, SJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन भी जुड़े हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव ले लेते हैं और जान लेते हैं कि इस वक्त मसालों में यहाँ क्या हो रहा है। शुभम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आप निज़ामाबाद से हैं, आपसे जानना चाहेंगे हल्दी की क्या हाल है। जहाँ तक महाराष्ट्र है, हम जानते हैं कि यहाँ पर तो तेज़ी है, लेकिन स्पॉट मार्केट्स में वो हाल है, निज़ामाबाद में क्या है, किस तरह की आवक है, कैसी फसल देखते हैं, और ये जो इतनी बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है उसके क्या कारण हैं? नमस्कार मनीषा जी, पिछले 2 साल मसालों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। पिछले साल जीरा और इस साल हल्दी जो कि साउथ इंडिया का गोल्ड कहा जाता है, उसके लिए तो ये साल वाकई गोल्डन ईयर रहा है। हम लोग ने देखा है पिछले 12,000 रुपए से लेके 19,000 तक ये रेट आ गए, और इस साल लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया, जो अभी देखा नहीं है। और हमारे मंडियों में जो अराइवल्स आज के डेट में देख रहे हैं, उसमें सबसे कम ये अराइवल कम आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, किसानों ने ये भाव आज तक देखे नहीं है। और मैक्सिमम माल जो है, जैसे 30% ऑफ द जो सोइंग कम थी वो तो आई रही है, और दूसरा जो मैक्सिमम माल है वो सोइंग के लिए जा रहा है। नेक्स्ट अराइवल 20,000 की देख रहे, 10,000 से 20,000 ये जनरली वेरी करती है। मंडे जनरली अराइवल रहती है 25,000, एंड उसके बाद ग्रेजुअली 15,000 की आवक आती रहती है। ये भाव हम लोग ने कभी देखे नहीं है, और आशा करते हैं भाव और आगे भी अच्छे रहेंगे। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि बाजार में ये भाव कभी देखने को नहीं मिले हैं, ऑल टाइम हाईज के लेवल्स हैं ये। शुभम, हम ये भी जानते हैं कि त्योहारों की खरीदारी थी, जिसका भी फायदा हमने हल्दी में आता हुआ देखा। होली है, रमजान का समय है, शादियां अगले महीने से यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, तो आप कहेंगे वो खरीदारी एज ऑफ नाउ हो चुकी है या फिर लगातार आगे देखने को मिलती रहेगी? मनीषा जी, देखिए अभी जैसा मंडियों में जो हमारी फिजिकल मंडी है यहाँ पे, और जो सेलिंग सेंटर्स है वहाँ पे थोड़ी सी डिस्पैरिटी है। सेलिंग सेंटर्स में माल थोड़ा सा सस्ता मिलने के कारण यहाँ से डोमेस्टिक कंजम्पशन थोड़ी कम है, बट आप देखते हो तो एक्सपोर्ट की डिमांड काफी अच्छी है। इन लेवल्स पे एक्सपोर्ट हर दिन काफी अच्छा होता जा रहा है, और यहाँ पे अब मराठवाड़ा का नया क्रॉप आएगा और सारे लोग उस मराठवाड़ा के अराइवल के लिए एक बार के लिए वेट कर रहे हैं। तो शुभम, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि बुआई कम हुई है, सीड के लिए भी किसान इसे यहाँ पर रोकेंगे, ये भाव पहले कभी देखने को नहीं मिले हैं, और जो भी फंडामेंटल्स की बात की जा रही है वो ऑन द पॉजिटिव साइड है, उसके बावजूद भी ये जो गिरावट भावों में देखने को मिली है अपने हाई से, उसे आप कैसे देखते हैं? इस पर देखिए मनीषा जी, ये जो भाव बढ़े नीचे से लगभग अब 60 से 70% की रैली हमने इस चीज में देखी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुनाफा वसूली आएगी और एक्सपेक्टेड ही था। यहाँ पे डीमैट पर भी माल अच्छा खासा लगना स्टार्ट हो गया है, और जो बेसिस का स्प्रेड था वो काफी खुल गया था स्पॉट और वायदे में, उस कारण से ये करेक्शन आया है इस बाजार में। ऑलराइट, अब यहाँ से भाव कैसे जाता हुआ देखते हैं आप शुभम? सारे के सारे फंडामेंटल्स ऑन द हायर साइड हैं, क्या इस करेक्शन में जो स्टॉकिस्ट हैं, हेजर्स हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं, और यहाँ से अब किस तरह आपका बाजार बनता हुआ देखेगा? मनीषा जी, अभी ये लेवल्स तो काफी ऊपर के हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं क्या यहाँ पे जिस हिसाब से अगर मराठवाड़ा के माल में कुछ ना कुछ अगर ड्रॉबैक निकलता है, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस है कि यील्ड लॉस है वगैरह, अगर वो होता है तो यहाँ बाजार और थोड़ा बढ़ने की गुंजाइश है, बट दैट वुड बी 20% to 25% फ्रॉम हियर। ओके, यानी कि जो भी बुलिश फैक्टर्स हैं बाजार ऑलरेडी उनको प्राइस इन कर चुका है, लेकिन जिस तरह से आगे मराठवाड़ा से मांग निकल के आएगी या रादर मराठवाड़ा की सप्लाईज निकल के आएंगी, उसके ऊपर बाजार यहाँ पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऑन द हायर साइड एज ऑफ नाउ फिर भी प्राइसेज हैं। हम जीरे पर भी बात करेंगे, हमारे साथ किशोर शाह जी हैं। किशोर जी, आप कैसे देखते हैं जीरे के भावों को यहाँ पर, क्योंकि चौथे महीने लगातार गिरावट यहाँ पर जारी है, निचले स्तरों से ऑफकोर्स खरीदारी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मंथली बेसिस पर यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सके। हाँ जी, नमस्कार मनीषा जी, आपको हार्दिक की अग्रिम शुभकामनाएं। वैसे रंगों का त्यौहार नजदीक आ रहा है जी,
तो हल्दी पीली होती जा रही है, जीरा जला रहा है और धनिया गन ले जा रहा है। अब बात करेंगे जीरे की, तो जीरे के अंदर क्या है मैडम कि जिस तरह से क्रॉप आनी थी वो क्रॉप आ रही है, वैसे कि अभी नीचे भाव होने की वजह से किसान ने थोड़ा माल होल्ड रखा है, लेकिन आवक आ रही है, सामने डिमांड बहुत कमजोर है, डिमांड कमजोर है मतलब एक्सपोर्ट ठीक ठाक है और देसार की डिमांड भी ठीक ठाक है, मेन है स्टॉक अभी इस भाव में लेने नहीं आ रहे हैं और हेजर का बिल्कुल पड़ता नहीं है, इसकी वजह से बाजार ऊपर नहीं चल रहा है और डे बाई डे नीचे गिर रहा है बाजार। अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मतलब ज्यादा नहीं है करीबन 10-15 रुपए किलो जी निकलता है बाजार वहां से, या इसी भाव के अंदर एक सस्टेन होता दिखाई दे रहा है तो वहां से डिमांड निकलेगी, लेकिन मार्च तक तो कोई डिमांड नहीं लगती है, अप्रैल के अंदर इसमें गुंजाइश बन रही है कि वहां एक अच्छी डिमांड आएगी और बाजार एक सस्टेन हो जाएगा, लेकिन लंबी तेजी इस बार जीरे में नहीं है, क्रॉप लास्ट ईयर से अच्छा है और कैरी फॉरवर्ड भी अच्छा जाएगा नेक्स्ट ईयर, इसके साथ लंबी डिमांड नहीं रहेगी और लंबी तेजी भी नहीं रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। यानी कि खरीदार और बिकवाल दोनों को यहाँ पर पैसा बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। अब आगे अब रेंज क्या बनेगी फिर किशोर जी जीरे में? हाँ जीरा देखिए अभी जैसे यहाँ 200 कच्चे वालों की रेंज अभी 225 आसपास चल रही है, 225 से 30 के भाव है, ये घटने के बाद दिवाली के आसपास देखो लंबे टर्म जाए तो वहां से बिकवाली बढ़ेगी, क्योंकि किसान अभी होल्ड कर रहा है, किसान ज्यादा होल्ड नहीं कर रहा, जिस टाइम नई बिजाई चालू होगी उस टाइम जीरा यदि 200 रुपए भी बन सकता है यहाँ से, अभी नहीं बनेगा लेकिन आगे जाके ये 200 रुपए का एक बार ट्रेड कर सकता है और वहां से यदि तेजी की साइड देखे तो वहां से 250-270 तक जा सकता है, इससे ऊपर तेजी नहीं लगती है, वो भी डिमांड के ऊपर डिपेंड करिए, डिमांड अच्छी निकलती है और बिकवाली कम रहती तो मतलब बाजार में ऐसा तेजी बननी मुश्किल है इस बार। जी हाँ ऑफकोर्स बुआई अच्छी खासी है और जिस तरह की रिपोर्ट्स किशोर जी मानी जा रही थी कि 4 साल में सबसे बेहतरीन बुआई है, और क्यों ना हो क्योंकि किसानों ने इतने हाई प्राइसेस भी यहाँ पर आते हुए देखे हैं। 38 साल हो गए मैंने लाइफ टाइम ये स्विंग देखी है, 38 साल मेरे को ऊंचा आए हुए लाइफ टाइम पहली बार देखिए, 38 साल के अंदर ये 12.5 लाख हेक्टेयर के ऊपर बीजेपी फर्स्ट टाइम हुई है। और वो इसलिए हुई है क्योंकि किसानों ने उस तरह के प्राइसेस भी देखे हैं, तो ऑफ कोर्स हमने वो जी वो लास्ट 600 के भाव क्रॉस कर दिए इसके साथ देखे थे, लेकिन यही बात पक्की है कि ये भाव अगले साल होने नहीं है, तो ऑलमोस्ट अगले साल थोड़ी बहुत बीजेपी कटेगी तो वहाँ फिर वापस मूवमेंट बनेगा, वो आगे की बात है। और ये ऑफ कोर्स एक चलती हुई चीज़ है एग्रीकल्चर में, किसान बहुत हाई प्राइस देखते हैं बुआई करते हैं और फिर हम भाव गिरता हुआ देखते हैं, फिर वो कम बुआई करते हैं, फिर भाव ऊपर जाते हैं, तो ये एक साइकिल है जिसमें हमने सबने जीना सीख लिया है। लेकिन जैसे किशोर जी ने कहा कि इतने सालों में 40 सालों में परहैप्स 4 सालों में रादर इतनी बड़ी हमने यहाँ पर बुआई आते हुए देखी, और उन्होंने कैसे कहा कि नंबर्स यहाँ पर काफ़ी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। आपको बता दें अगर इस साल की अब तक यहाँ पर बात करें तो जीरा 2024 में अब तक 17% तक फिसल चुका है, लेकिन जहां तक हल्दी की बात है 22% के गेन्स हमने यहां पर हल्दी में आते हुए देखे हैं इस साल में अब तक, तो क्लियरली जो एक वो गोल्डन लाइनिंग है वो इस वक्त यहां पर हल्दी में आती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका और किशोर जी आपका साथ जुड़ने के लिए और मसालों पर वो पूरा ब्यौरा देने के लिए और ये भी बताने के लिए कि अब यहां से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है प्राइसेस के तौर पर। मनोज जी एक ब्रेक लें, उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन हमने आता हुआ देखा वो तो बुलिश है हल्दी के लिए, रेंज बाउंड है जीरे के लिए, आप किस तरह के प्राइसेस देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे हल्दी के जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग है और उसी के इनलाइन हमने तेजी बनते हुए भी देखी है। जो पिछले साल का क्रॉप ईयर अगर हम बात करें अप्रैल का, तो उस समय हल्दी के जो भाव है वो लगभग 6,500 के आसपास थे और अभी हमने कीमतों को 19,700 पे जाते हुए देखा है, तो हमने लगभग 200% की बढ़त जो है इसके निचले स्तरों से ऑलरेडी आते हुए देखी है और उसके बाद एक यहाँ पे मुनाफा वसूली जो है देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट जोन में ये कमोडिटी आ चुकी है, तो लॉन्ग की पोजीशन है तो हल्की मुनाफा वसूली यहाँ करना चाहिए, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े और डिप्स का वेट करें। एक अच्छा जो चार्ट पे सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 16,750 के आसपास है, तो अगर वो लेवल मिलते हैं तो फिर यहाँ पे फ्रेश बाइंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। अभी वर्तमान लेवल पे इस काउंटर से दूर रहना ही समझदारी है, क्योंकि एक अच्छी बढ़त हमने कीमतों में ऑलरेडी देख चुके हैं। वहीं अगर जीरे की बात करें तो बिल्कुल यहाँ ये भी कमोडिटी इनलाइन फंडामेंटल से बिहेव कर रही है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। टेक्निकली यहाँ पे भी एक बार 22,000 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो वर्तमान लेवल से भी अभी जो अप्रैल का वायदा है जो 23,300-23,400 के आसपास ट्रेड हो रहा है वहां से लगभग 1,000 से 1,200-1,300 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है, तो जीरे में प्रेशर जो है वो आगे भी बरकरार रहेगा। हल्दी में बाइंग के लिए थोड़े डिप्स का वेट यहाँ से करना चाहिए। ऑलराइट, तो वो सटीक सलाह यहाँ पर मसालों में आती हुई और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, वो हमें और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताएंगे।
नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की होगी। और आपको बता दें कि यह हफ्ता फुल ऑफ इवेंट्स और डेटा है। आज हमने बैंक ऑफ जापान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी में एक ट्वीक आता हुआ देखा है। कल रात को बाजार इंतजार करेगा यूएस फेड का, और उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, चाइना, टोक्यो, बहुत सारे बैंक्स की यहाँ पर हम इम्पैक्ट हम यहाँ पर झेलते हुए नजर आएंगे। प्रियांक, कैसे देखते हैं आप इन सबको? ऑफकोर्स चाइना का इकोनॉमिक डेटा भी यहाँ पर आज आया, जिससे भी हमने एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा मार्केट्स को। अब यहाँ से अगर मेटल्स की ही बात की जाए, इंडस्ट्रियल मेटल्स की, जिस तरह का सपोर्ट कॉपर में देखने को मिला, एलुमिनियम, जिंक, टिन, निकल, सभी यहाँ पर मल्टी वीक मल्टी मंथ हाइज पर हैं। क्या ये रैली सस्टेन होती हुई दिखती है? गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से हमने मेटल्स में रैली देखा है, कॉपर का अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो 720 730 से जो ब्रेकआउट आया वो हमने 770 के आसपास तक जाते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो नियर टर्म में मार्केट वॉच आउट करेगा कि फेड के पॉलिसी का डायरेक्शन क्या आता है, उससे काफी कुछ निर्भर होगा। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि लास्ट एक दो दिन में जो डॉलर इंडेक्स में जो तेजी हुई है, अभी हम 104 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका एक नेगेटिव प्रेशर हमने कॉपर के प्राइसेस में आज के कारोबार में देखा है। अभी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 10 रुपीज की गिरावट के साथ कॉपर ट्रेड कर रहा है। बट नेवरथलेस जो ब्रेकआउट आया है, मेरा मानना है कि यहाँ पे एक डिप आए तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अभी 756 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो और थोड़ा बहुत गिरावट में भी अराउंड 750 से लेकर 745 का रेंज अगर आता है, वो एक बाइंग लेवल रहेगा, जहां पे कॉपर में सपोर्ट्स भी आएंगे तो वहां पे बाई किया जा सकता है। एंड नीचे में 742-740 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, और फिर से हम जो नियर टर्म हाई 770 के बने हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी जो मेटल कॉम्प्लेक्स में जो तेजी आई है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है करंट लेवल्स पे, तो ये प्रॉफिट टेकिंग के बाद फिर से रिबाउंड ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओके, सोने चांदी की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो अपने ऑल टाइम हाई से सोने में स्पेशली एक मुनाफा वसूली है। जिस तरह से फेड मीटिंग से पहले कुछ बढ़त फिर से यहाँ पर देखने को मिली है, सोने में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? क्योंकि ज़्यादातर बाजार यही मानता है कि सोने में तेज़ी तो आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत जल्दी तेज़ी आई है, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डेंट रह सकता है। जी बिल्कुल, गोल्ड में हमने देखा है कि काफी एक स्टीप रैली फ्रॉम 2020 से ऑलमोस्ट 2200 तक का रैली हमने गोल्ड में इन वेरी शॉर्ट टाइम देखा है। तो ये जो रैली के बाद है, ये एक कंसोलिडेशन का फेस है, वो एक मेरे हिसाब से हेल्दी कंसोलिडेशन माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ड्रिफ्ट होता है अगेन टूवर्ड्स अभी 2155 के आसपास स्पॉट ट्रेड्स कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर प्रॉफिट टेकिंग में 2130 2120 ये लेवल्स आते हैं, यहाँ से मतलब $20 का अगर करेक्शन आता है, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा फिर से बाइंग करने के लिए ऑन द लोअर लेवल्स। अगर घरेलू मार्केट्स की मैं बात करूँ तो अभी 65,500 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो यहाँ से मे बी अराउंड 65,000 से लेकर 64,500 वो एक अच्छा सपोर्ट रेंज रहेगा, जहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए गोल्ड को फिर से, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश दिखता है। और अगर किसी का लंबा नजरिया है तो मेरे हिसाब से 70-72,000 के रेट्स इस ईयर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस। ऑलराइट, यानी कि यहाँ से 500,000 रुपए की गिरावट जब मिले तभी खरीदारी करने की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से और तेजी ऑफकोर्स प्राइसेस में जरूर देखने को मिल सकती है। प्रियांक, एनर्जी एज अ सेक्टर कैसे देखते हैं? क्योंकि कच्चा तेल लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, काफी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं जिनका सपोर्ट यहाँ पर है, ऑलमोस्ट $87 पर बैरल के आसपास, यहाँ से क्या करने की राय? देखिए, अभी भी जो फंडामेंटल्स है एंड जिस तरह से क्रूड में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक 6700 के टारगेट्स थे, वो उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, 6850 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा अराउंड 7000 का, वो एक इमीडिएट टारगेट ऑन द हायर साइड दिखता है। वहां से फिर से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है अगेन टुवर्ड्स 6600-6500, पर ओवरऑल ट्रेजेक्टरी क्रूड की बाय ऑन डिप्स की रहेगी फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 7000-7200। ऑलराइट, तो तेजी की एक्सपेक्टेशन यहां पर भी। मनोज जी आपसे भी जानना चाहेंगे, एक तो नेचुरल गैस पे आपका क्या व्यू है, और मसालों की बात तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन बाकी एग्री कमोडिटीज में यहाँ पर टॉपिक्स कहाँ हैं?
नेचुरल गैस की अगर बात करें मनीषा जी, तो एक बहुत ही साइडवेज मूव यहाँ देखने को मिल रहा है। बड़ी गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि कीमतें एक दायरे में कंसोलिडेट करती हुई दिख रही है। ये सप्ताह यहाँ पे जो यूएस की इन्वेंट्री आएगी उसके बाद यहाँ कीमतों को कुछ डायरेक्शन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली अब देखें तो डाउनसाइड जो है वो थोड़ी प्रोटेक्टेड दिखती है। 137 अब यहाँ पे एक स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट जोन बना हुआ है नेचुरल गैस के लिए, और हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें एक बार 155 तक जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पे कहीं भी 140-142 के दायरे में बाय कर सकते हैं 137 के नीचे के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 150-155 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पे मेंथा तेल में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बढ़त के बाद ऊपरी लेवल से फिर एक बार वीकनेस जो है वो आती हुई नजर आ रही है। तो जो अप्रैल का वायदा है वहाँ पे 948 के स्तर पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 958 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य यहाँ पे 930 तक के रहेंगे। और दूसरी पीक यहाँ पे कैस्टर सीड रहेगी। यहाँ पे गत सप्ताह भी हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी और एक अच्छी बढ़त कैस्टर सीड में देखने को मिली है। यहाँ पे अगर थोड़ा डीप मिलता है 5930 के आसपास तो अप्रैल वायदा में फिर से एक बार जो है बाइंग की सलाह रहेगी। 5880 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 6060 तक के देखने को मिल सकते हैं। मनोज जी, साथ ही धनिया कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफी लोगों का विश्वास है कि एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी के तौर पर एक ट्रेड रह सकता है। कौन सी कमोडिटी? धनिया। धनिया, हाँ, धनिया में हमने एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी थी और ऊपरी लेवल से करेक्शंस यहाँ पे होते हुए नजर आए, जिस तरह से अराइवल्स बढ़ते हुए नजर आए मंडी में। लेकिन हमारा मानना है कि 7500 जो है वो धनिया के लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। तो वर्तमान लेवल से अगर 100-150 की ओर गिरावट आती है तो वो लेवल पर फिर एक बार जो है फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। 7500 के स्तर मिले तो वहां भी बाइंग की रणनीति बनाई। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहां पर काफी जगह आप ढूंढ सकते हैं, एग्री और नॉन एग्री दोनों ही स्पेस में। प्रियांक, मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रेटजीज शेयर करने के लिए। ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।